अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता, वो जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसा बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं हो बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया, इसी वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता तो वो गुनहगार ना ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज्र नहीं। जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उनमें रहकर वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनहगार ना ठहरते। मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी, लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हुआ जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहुल कुद्स जो बाप से सादर होगा, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो।